गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेके चलने वाली हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको मिलेंगी यूनिक और स्टाइलिश होम डेकोर और फर्नीचर के आइटम्स, वो भी बजट फ्रेंडली प्राइसेस पे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुड़गांव के काफ़ी फेमस मार्केट की, बंजारा मार्केट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ तक कैसे पहुँचना है। अगर आप कैब से आना चाह रहे हैं तो आपको बस अपने GPS में बंजारा मार्केट सेक्टर 58 घाटा विलेज डालना होगा और सदर्न पेरिफेरल रोड होते हुए आपको पहुंचना है ग्रैंड हयात के साइड से। और अगर आप मेट्रो से ट्रेवल कर रहे हैं तो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 55-56। यहां से आप एक ऑटो या फिर कैब ले सकते हैं जो आपको सीधा मार्केट ले आएगा। अब बात करते हैं यहाँ के लेटेस्ट कलेक्शन की। सो जैसे ही हम मार्केट में आते हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्टूल्स, चेयर, टेबल वगैरह तो देखने मिलेंगे, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे छोटे छोटे क्यूट से आइटम्स भी होते हैं। जैसे ये ऑर्गेनाइजर्स और स्टोरेज के ये छोटे से आप जो डब्बे देख रहे हो ना, इनकी प्राइस तो ये 1000 के करीब बोलेंगे, लेकिन आपको इसको टोन डाउन करके थोड़ा बार्गेनिंग करके 200-300 की रेंज में आप ले आ सकते हो। यहाँ पे स्टूल वगैरह के काफ़ी सारे वैरायटी आपको यहाँ दिखेंगे, बास्केट्स वगैरह इनफैक्ट अगर आप देख रहे हो। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे विंटेज शॉपिंग आप काफ़ी अच्छी खासी कर सकते हो। ये सारे विंटेज पीसेज हैं जिसमें आपके मंदिर से लेके ड्रॉअर से लेके जो स्टोरेज के लिए जो ड्रॉअर्स होते हैं, चेस्टर्स होते हैं, वॉसेस काफ़ी सारे बड़े बड़े आपको दिखेंगे, स्टूल्स वगैरह, ये काफ़ी विंटेज स्टाइल में है, काफ़ी रॉ है ये। एंड आई वुड से कि आप इसको अपने घर के एंड एस्थेटिक के अकॉर्डिंग कलर स्प्रे से इसको अलग से कलर भी कर सकते हो घर पर ले आके। वुड क्वालिटी इनकी सीसम या फिर मैंगो की होती है। एंड प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूं तो ये आराम से वैसे तो आपको 15-20 हज़ार बोलेंगे, बट ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज अ फ्ली मार्केट एंड एज वी नो ये सरोजनी नगर है फर्नीचर का, तो आप बिल्कुल बार्गेन कर सकते हो, अपने बजट के अकॉर्डिंग इसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हो। यहाँ पे आपको वुडन फ्रेम से लेके काफ़ी एंटीक आइटम्स भी मिल जाएंगे, शो पीसेस वगैरह, जो कि हर एक सीजन में आई वुड से ये रिवाइज होता है। एंड इनके प्राइस जो है 100 रुपए से लेके 1000 और 1500 रुपए तक भी जाती है। ये दोनों क्यूट से सेट मुझे दिखे थे यहाँ पे इस पर्टिकुलर शॉप पे। दिस इज़ वन ऑफ द शॉप जहाँ पे आपको काफ़ी क्यूट क्यूट स्टफ्स मिल जाएंगे। अंदर जाते हैं हम, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे डिफरेंट विंटेज कैंडल स्टैंड्स दिखेंगे। एंड आगे चलते ही मुझे ये सिरेमिक पॉट की शॉप दिखी थी जहाँ पे काफ़ी सारे आपको अपने बालकनी एंड घर को डेकोर करने के लिए सिरेमिक पॉट्स मिल जाएंगे 20-30 रुपए से लेके आई वुड से 200-300 रुपए तक मैक्सिमम। हर साइज़ में आपको यहाँ पे पॉट्स दिखते हैं, बस इसमें क्रैक एंड होल्स वगैरह आप चेक कर लेना। आगे चलते ही मुझे ये काफ़ी अच्छा खासा यू नो डिफरेंट वैरायटी के पैनल्स दिख रहे थे जिसको आप अपने घर को डेकोर करने के लिए यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सारे वुडन आइटम्स भी थे एंड वुडन आइटम्स काफ़ी मतलब स्टर्डी हैं एंड क्वालिटी अमेजिंग होती है इस पर्टिकुलर मार्केट की। आगे चलते ही अगेन मुझे काफ़ी सारे ये मेटल के वासेज हैं, स्टैंड्स हैं, इनफैक्ट आपको काफ़ी सारे सेंटर टेबल्स वगैरह टेबल्स दिखेंगे। जैसे ये जो पर्टिकुलर शॉप है यहाँ पे आप देखो काफ़ी सारे आपको इस तरह से स्टैचू कैंडल स्टैंड्स मुझे दिख रहे थे एंड काफ़ी डिफरेंट वराइटीज़ है। आप क्योंकि फेस्टिवल आ रहा है तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू विजिट दिस मार्केट। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे छोटे बेड साइड सोफ़ा मिल जाएंगे जो कि आप ईजिली सिटिंग अरेंजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। अगेन काफ़ी सारे छोटे छोटे टेबल्स एंड स्टूल्स वगैरह की वैरायटी दिख रही थी, ये सारे सुएड फैब्रिक में थे। आगे चलते ही मैक्रेमे में मुझे काफ़ी ये पर्टिकुलर शॉप पे ना वैरायटी दिख रही है। इसमें ऑर्गेनाइजर से लेके आप अपने जितने भी ये आपको वॉल हैंगिंग्स हो गए, आप मैक्रेमे से रिलेटेड जितने भी वॉल हैंगिंग्स यहाँ पे देख रहे हो ना, इनमें आप अपने हिसाब से अपने घर को और डिफरेंट कॉर्नर्स को डेकोर कर सकते हो। यहाँ पे मुझे एक ये स्विंग भी दिख रहा था और काफ़ी वैरायटी है इनमें, क्वालिटी भी अच्छी है। यहाँ पे आपको थ्रोज वगैरह भी काफ़ी अच्छे खासे प्राइस पे मिलेंगे। एंड सबसे अच्छी बात तो ये है कि बार्गेनिंग होती है, आप अपने बजट के हिसाब से इन सारे चीज़ों को ले सकते हो। तो ये राउंड मैट से लेके आपको फुट मैट जो होते हैं, फुट मैट से लेके
कारपेट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। सो ये जो ऑर्गेनाइजर आप देख रहे हो ये 1500 रुपए का 3 सेट है ये बेसिकली, इसको बार्गेनिंग करके 500-600 रुपए तक ले आ सकते हो। रेक्टेंगुलर से लेके स्क्वायर शेप में काफी सारे ऑर्गेनाइजर मिल जाएंगे। आगे चलते हैं हम, एंड यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि ये विंटेज कलेक्शन है इस शॉप में, एंड हर एक चीज प्लांट स्टैंड से लेके बाहर का आपका सेंटर टेबल हो गया, बैल्कनी टेबल हो गया, स्टूल्स वगैरह, विंटेज मिरर्स हो गए हमारे, काफ़ी वैरायटीज थी। आगे चल के मुझे ये जो शॉप दिखा था यहाँ पे टिश्यू पेपर होल्डर्स की भी काफ़ी वैरायटी दिख रही थी, डिफरेंट कलर्स में ये अवेलेबल थे। इनके अलावा यहाँ पे आपको काफ़ी ऑर्गेनाइजर्स भी दिखेंगे। जी ये एक शोपीस वाला शॉप दिखा था, काफ़ी बड़ा सा ये शॉप था, एंड इनके पास काफ़ी डिफरेंट स्टैचूज वगैरह थे, काफ़ी क्यूट वैरायटी थी। इनके अगर मैं रेंज की बात करूँ तो 500 से लेके 1000 तक में आपको ये सारे यू नो सेट में ऑप्शन मिल जाएंगे, एंड आपका जैसा कॉर्नर आपको डेकोर करना है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से ले जा सकते हो। काफ़ी यू नो ये सारे जो आप स्टैचूज देख रहे हो ये सारे इम्पोर्टेड क्वालिटी के हैं एंड काफ़ी अमेजिंग होते हैं, बिलीव मी ये जनरली आपको ईजिली मिलेंगे नहीं जो यहाँ पर आप देख रहे हो। यहाँ पे सिरेमिक की काफ़ी क्यूट पिंटरेस्ट फ्रेंडली ये जो आप देख रहे हो कप्स वगैरह, मग्स, प्लेटर्स, प्लेट्स वगैरह हैं ये सारे। इनके प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 50 रुपए से लेके स्टार्ट हो जाते हैं, ऑब्वियसली आपको बार्गेन करना तो पड़ेगा ही। आगे चलते ही हमें यहाँ पे अगेन विंटेज जो ये आप क्लॉक्स वगैरह देख रहे हो ना, वॉल क्लॉक्स, ये सब आपको दिख जाएंगे। सो अगर आप इस तरह के एस्थेटिक में बिलीव करते हो तो आप यहाँ पे भी आके चेकआउट कर सकते हो। एक बार पूरे मार्केट को ना चेकआउट ज़रूर कर लेना, क्योंकि हर एक शॉप पे कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ तो आपको ज़रूर दिखेगी। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सारे मैट्स एंड कारपेट्स आपको दिखेंगे, एंड ये इनके प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो कोट तो जैसे ये पर्टिकुलर है इसको 1500 का कोट किया था, बट हम इसको 500 रुपए में लेके आए थे। एंड यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये प्रॉपर क्रोशे वर्क किया हुआ है, इसको मैं अपने घर में एज सोफ़ा कवर यूज़ करने वाली हो। जैसे आप चाहो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ऑब्वियसली जस्ट यूज़ योर क्रिएटिविटी एंड जस्ट गो मैड। इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये मुझे 500 रुपए का अगेन मिला था, इसको भी सेम उन्होंने 2000 रुपए के करीब बोला था। यहाँ पे काफ़ी सारे थ्रोज वगैरह ना काफ़ी अच्छे मिलते हैं, तो आप जब भी आना, क्वालिटी तो आई वुड से कि क्वालिटी तो अमेजिंग होती ही है, एंड इसके साथ साथ प्राइस जो है ना वो मतलब उस हिसाब से आपको लगेगा कि नहीं बहुत सही ख़रीदा है। ये शॉप नंबर 115 है, एंड यहाँ पे आई वुड से कि एक बार थोड़ा सा हॉल्ट करके ना ज़रूर चेकआउट कर लेना। इनके पास काफ़ी कारपेट्स के भी ऑप्शंस थे, मैक्रेमे में भी काफ़ी थ्रोज वगैरह थे, जैसे मैंने क्रोशे वर्क में भी आपको दिखाया। तो बेसिकली जैसे भी आपका कलर आप चूज़ कर रहे हो अपने थ्रोज के लिए, अगर आप सोफ़ा पे रखना चाहते हो, बेड पे रखना चाहते हो, जैसे चाहो वैसे आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। अब क्योंकि विंटर, अब हम ऑटम एंड विंटर में भी ट्रांजिशन हो रहे हैं ना, तो अब इस तरह की चीज़ें हमें काफ़ी सारा देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर मार्केट में। इस शॉप में काफ़ी सारे कारपेट्स थे, दरी भी थे 9x9 के, और इतने बड़े बड़े जो अगर आप बड़े हॉल्स वगैरह में अपने दरी या फिर कारपेट बिछाना चाहते हो ना, तो इस शॉप पे आप आके चेकआउट कर सकते हो। आगे चलते ही मुझे यहाँ पे ये मेटल के अगेन प्लांट स्टैंड्स एंड सेंटर टेबल्स वगैरह दिखे थे, मार्बल के भी सेंटर टेबल्स दिखे थे। होम डेकोर आइटम के लिए अगर कोई आप बेस्ट शॉप खोज रहे हो ना, तो मैं आपको आगे लेके चलते हूँ। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे सबसे लेटेस्ट कलेक्शंस मिलेंगे, एंड ये सब के सब आपको मतलब ऐसा लगेगा कि यार ये मैंने कभी नहीं देखा है इस मार्केट में, इतने यूनिक पीसेज हैं, इतने क्यूट पीसेज हैं ना कि आप घर पे जो भी आएगा ज़रूर पूछेगा कि आपने ये पीस कहाँ से लिया है। इस पूरे के पूरे शॉप में जब भी आप आओगे हमेशा कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा, एंड मैं पर्सनली अपने घर के लिए तो ज़रूर यहाँ से उठा के लेके जाती हूँ। इस शॉप में अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूँ तो 500 रुपए से लेके 1500 से 2000 तक में आपको यहाँ पे सेट में काफ़ी सारे आइटम्स मिल जाएंगे, एंड काफ़ी क्यूट कलेक्शंस हैं। अगर आप अपने घर को सजाने के लिए कोई भी शोपीस या फिर कोई होम डेकोर आइटम देख रहे हो, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज़ टू विज़िट दिस शॉप।
सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कैसा लगा ये वीडियो. गाइज, आई रियली होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. एक सजेशन मैं आपको देना चाहूँगी कि बारिश के समय आप बिल्कुल अवॉइड करिएगा बंजारा मार्केट में आने से, बिकॉज ये पूरा का पूरा, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे रोड नहीं है, कच्चा है ये सड़क, तो पूरा एकदम कीचड़ कीचड़ हो जाता है. और आप को भी, मतलब आप पूरे सारे शॉप्स नहीं विजिट कर पाओगे उतनी कंफर्टेबली. सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द बंजारा मार्केट.